वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब हम बात करें सेहत के हवाले से, तो स्मोकिंग को बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया जाता है, इसके ह्यूमन जो हेल्थ है उस पर बहुत ज़्यादा स्पेयर इम्पैक्ट्स हैं नेगेटिव किस्म के। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुनिया भर में स्मोकिंग और स्पेशली पाकिस्तान की बात की जाए तो उस पर काबू पाया जाने की कोशिश की जा रही है, पर अभी तक हम काफ़ी हद तक नाकाम है। इस हवाले से हमारे पास आज डॉक्टर मौजूद होंगे जो हमें सिगरेट नोशी के साइड इफेक्ट्स पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर जावेद नकवी जो के पल्मोनोलॉजिस्ट हैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल इस डिपार्टमेंट में, वहाँ पर खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर जावेद वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। डॉक्टर साहब हम स्मोकिंग की बात करते हैं, नुकसानात की बात करते हैं। बेसिकली अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो दुनिया भर में कितने लोग जो हैं स्मोकिंग का शिकार हैं और किस तरह से इसको डिस्करेज किया जाए? बहुत शुक्रिया, बल्कि सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपके चैनल ने मुझे इनवाइट किया और ख़ास तौर पे इस किस्म के प्रोडक्टिव प्रोग्राम में इनवाइट किया, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे हमेशा महसूस होता है कि हमारा जो मीडिया है वो एंटरटेनमेंट के लिए भी बहुत काम कर रहा था और न्यूज़ के लिए भी काम कर रहा था, लेकिन जो सोसाइटी में एक एजुकेशनल पर्पसेस के काम है उसमें हमारा मीडिया को ज़्यादा। और ऑनेस्टली आई एम रियली थैंकफुल कि आपके चैनल से इतने पर, और अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि आप बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। जो सवाल मैंने किया था कि स्टैटिस्टिक्स अगर हम शेयर करें, तो अगर हम देखें दुनिया भर में तो ऑलमोस्ट अगर हम अडल्ट पॉपुलेशन की बात करें तो ऑलमोस्ट हर 3 बालिग अफराद में से एक बंदा जो है ना वो किसी ना किसी शक्ल में वो तंबाकू नोशी कर रहा है या सिगरेट या हुक्का पी रहा है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में मेल्स और फीमेल्स की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट जो स्टडीज़ हुई हैं उससे पता चला है कि कोई तकरीबन 32% जो मर्द हजरात हैं वो स्मोकिंग कर रहे हैं। ठीक है। और इवन अलार्मिंग है कि ये चीज़ ख़वातीन में भी, तकरीबन 6 से 7% जो हमारी ख़वातीन हैं वो भी स्मोकिंग कर रही हैं। ठीक होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका इम्पैक्ट हमारी सेहत पर बहुत ऑब्वियसली एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, इसके सिम्टम्स जो इम्पैक्ट आता है उसके बात की जाए, सिम्टम्स की बात की जाए तो वो भी हमें बताइए। जी बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। स्मोकिंग अगर देखा जाए तो यूँ समझें कि स्मोकिंग बेसिकली हमारे सर से पाँव तक सारे के सारे अज़ा को जो है ना वो मनफी तौर पर असरअंदाज कर रहा है। ख़ास तौर पे जैसे मिसाल के तौर पे लंग्स, जो फेफड़ों की बीमारियां हैं, दिल की बीमारियां हैं, इवन बाकी जो जिस्म के अज़ा हैं, इन सारों के बारे में बहुत ज़्यादा वो नुकसान पहुंचा रहे होते हैं जो सिगरेट नोशी है डिफरेंट किस्म की। ठीक है। अच्छा कितनी तरह के सिगरेट नोशी होते हैं ये भी हमें बताइए। जी सिगरेट जो है वो मुख्तलिफ अकसाम की है। तम्बाकू नोशी जो है इसकी एक आम शक्ल तो आपने देखी होगी जो सिगरेट की शक्ल में है, इसी तरीके से सिगार भी इससे एक मिलती जुलती शक्ल है, या रूरल हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें जो हुक्का नोशी है वो एक इसकी और शक्ल निकल आती है। फिर हमारे जो कुछ एलीट क्लास है उसमें शीशा, वो भी एक फ्लेवर्ड किस्म का तंबाकू है। तो बेसिकली ये तंबाकू नोशी की जितनी अकसाम हैं, इसमें कुछ अकसाम तो ऐसी हैं जिसमें धुएँ की शक्ल में हम इनहेल कर रहे होते हैं जो कि हमारी सांस में जा रहा होता है, और कुछ दूसरी भी तंबाकू की शक्लें हैं जैसे पान, जो तंबाकू वाला पान होता है, या निस्वार होती है जो नाक के रास्ते से इनहेल करते हैं। तो बेसिकली ये सारी की सारी जो तंबाकू नोशी की अकसाम हैं ये सारी बेसिकली इंतहाई ख़तरनाक हैं, जो हमारे सारे ऑर्गन्स को बहुत बुरे तरीके से डैमेज कर। ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे मजीद भी जानते हैं। अभी हम जरा चिकन की सूरत हाल पर भी बात करें। अभी कुछ रोज़ हम देख रहे थे कि काफ़ी दिन जो है चिकन के रेट्स में कमी रही, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इजाफा भी देखने में आ रहा है क्योंकि मुहर्रम शुरू हो चुका है, ऐसे में नजर नियाज का सिलसिला शुरू हो जाता है, तो चिकन के रेट्स में भी आपको थोड़ी फ्लक्चुएशन नज़र आती है। रजा ताहिर हमारे साथ मौजूद होंगे। रजा ताहिर आपसे बात करेंगे, तो आज आप चिकन की सूरत हाल के हवाले से हमें बताइएगा। मैं कैरेट शॉप में मौजूद हूँ, यहाँ पर चिकन शॉप है जहाँ पर मौजूद हैं। आज की अगर हम रेट की बात करें तो 162 रुपये जो गोश्त है मुर्गी का फी किलो, उसका नर्ख निकला है सरकारी, और साथ ही जो जिंदा जो मुर्गी है वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो नर्ख है वो 112 रुपये किलो जिंदा मुर्गी का नर्ख निकला है। जिस शॉप पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर जो डिस्काउंटेड रेट्स हैं, 140 रुपये यहाँ पर चिकन है किलो, उसका गोश्त है। चिकन जो है हमारे भाई टकाटक बना रहे हैं, इनसे ही पूछ लेते हैं, भैया आज क्या दे रहे हैं, किस तरह से रेट है इधर आज आपकी शॉप के ऊपर? सर 162 रुपये रेट आया, तो हमारे जब जो हमने ज़्यादा डिमांड करते हैं ना तो हमारी डिमांड से देखते हैं रेट बढ़ जाता है,
अभी रेट बढ़ना नहीं चाहिए, इन दिनों में कम से कम लोगों ने न्याज वगैरह देनी है तो रेट कम होना चाहिए। हमने डिस्काउंट किया हो 140 रुपए ताकि सारे आवाम इजी होके वो खरीद सके। जब से मुहर्रम अल हराम शुरू हुआ है कुछ आपकी डिमांड में इजाफा हो गया है, चीजें चिकन जा रहा है, ज्यादा जा रहा है लेकिन ये है कि आवाम को सहूलत भी होनी चाहिए ना कम से कम। जैसे कि रेट 120-130 चल रहा था, ठीक चल रहा था, जैसे मुहर्रम शुरू हुए हैं तो 162 पे रेट हो गया। आपने सहूलत दी हुई अपनी तरफ? हमने डिस्काउंट किया हुआ है, हमने 140 पे रेट लगाया हुआ है। 140 रुपये लगाया हुआ जी। यहाँ पर ये चिकन बन रहा है, ये उसके अलावा सिलसिला जी यहाँ पर जारी है और जो रेट 162 है, अलबत्ता यहाँ पर आपको डिस्काउंटेड रेट मिलेगा 140 रुपये फी किलो जी। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच रजा। चिकन रेट्स के हवाले से हमें बता रहे थे कि फ्लक्चुएशन जो है वो हो रही है रेट्स में, और अब चूंकि मुहर्रम भी चल रहा है इस हवाले से भी थैंक यू वेरी मच। आप गड़ी शाह बाजार में मौजूद थे और हमें चिकन के रेट्स के हवाले से बता रहे जी। जनाब हमारे से डॉक्टर साहब भी मौजूद है। डॉक्टर साहब हम बात करें सिगरेट नोशी की, तो हमने उस पर देखा कि इम्पैक्ट तो डेफिनेटली अब रेशो बढ़ी और टाइप्स भी डिफरेंट है, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो सिगरेट नोशी है लोग इसका शिकार या इसके इतने आदि क्यों हो जाते हैं, क्या वजह? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने कि सिगरेट नोशी क्यों शुरू करते हैं। देखा गया कि आम तौर पे टीनएजर्स यूजली 18 या 20 में जब वो होते हैं तो वो सिगरेट नोशी शुरू करते हैं। इसके पीछे क्या मुहर्रिकात होते हैं? देखा गया कि आम तौर पर 3-4 चीज़ें बड़ी उनकी अहमियत है। कुछ लोग तो इस वजह से सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनके दोस्त जो है वो ऑलरेडी पी रहे होते हैं और वो उनको लगा देते हैं। फिर दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बाज़ औक़ात सिगरेट को फिल्म्स में मीडिया पे इस तरह से एक अट्रैक्टिव तरीके से दिखाया जाता है कि जो यंगस्टर्स होते हैं वो उसमें ट्रैप हो जाते हैं और वो ये समझते हैं कि अगर वो सिगरेट पी रहे हैं तो वो ज़्यादा स्मार्ट नज़र आते हैं या ज़्यादा फैशनेबल लगते हैं और वो एक लाइटली लेते हुए ये चीज़ शुरू करते हैं। फिर कुछ लोग जो हॉस्टल्स में रहते हैं वो घरों से जब हॉस्टल्स में आते हैं वहाँ पर उनके वालदैन की चेक नहीं होती और वहाँ पे कुछ लोग ऑलरेडी स्मोकिंग कर रहे होते हैं तो उनके चांस होता है कि वो ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ समझना बड़ी ज़रूरी है, आपके चैनल के तवसत से मैं नौजवानों को बताना चाहूँगा कि जिस चीज़ को वो बिल्कुल लाइटली लेते हुए स्टाइल समझते हुए फैशन समझते हुए बाज़ूकात शुरू करते हैं विद इन 2-3 वीक्स वो उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं और बाद में उनको सिगरेट पीने की एक तरह से एडिक्शन हो जाती है और वो अगर सिगरेट ना पिए तो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि जो सिगरेट वो शुरू नहीं करना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग सिगरेट का निकोटीन की वजह से भी कुछ इस तरह के एलिमेंट्स भी, वो भी अगर हम डिस्कस करें तो? जी बड़ा अच्छा आपने रेज किया है पॉइंट कि बेसिकली सिगरेट के धुएं के अंदर या तंबाकू या हुक्के के धुएं के अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम निकोटीन कहते हैं जो कि बेसिकली एडिक्शन की बायस है। और लेकिन ये चीज़ भी यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि सिगरेट के धुएं में निकोटीन के साथ साथ तकरीबन 4000 केमिकल्स हैं और उनमें से काफ़ी सारे कैंसर जैसी बीमारियां और दूसरी बीमारियों का बायस बनते हैं। तो निकोटीन बेसिकली जब हम इनहेल करते हैं वो हमारे खून के ज़रिए से होती हुए दिमाग में पहुँचती है और वहाँ पर एक चीज़ होती है जिसको डोपामीन कहते हैं, वो डोपामीन रिलीज़ करती है जिससे एक सेंस ऑफ वेलबींग आती है। तो बेसिकली ये निकोटीन और डोपामीन का जो साइकिल है इसी की वजह से एडिक्शन भी होती है और अगर वो बाद में ना पिए तो उसकी वजह से विड्रॉल सिम्टम्स का भी प्रॉब्लम उनको होता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ नॉर्मली नौजवानों में ये प्रॉब्लम तो होती है और इसका इम्पैक्ट सेहत पर आता है, लंग्स आपके मुतासर होते हैं और ओवरऑल क्या क्या नुकसान होते हैं आपके इंटरनली वो भी हमें? जी सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे आपने लंग्स का नाम लिया है तो लंग्स की बीमारियों में एक बीमारी लंग कैंसर जो कि एक बड़ी मोहलिक किस्म का कैंसर है और जिसका अगर मैं यूं कहूं कि कोई खातिर खा इलाज नहीं है तो ये 100% बचा होगा। और WHO की रिपोर्ट के मुताबिक जो 90% लंग कैंसर हैं, फेफड़ों का कैंसर है, उसकी वजह सिगरेट नोशी और तंबाकू नोशी की वजह से होता है। इसी तरीके से एक और बीमारी COPD जिसको हम आमतौर पर कहते हैं, वो एक दायमी सांस फूलने की बीमारी है। आपने शायद देखा हो कि बाज़ों का घर के जो थोड़े बड़ी उम्र के अफराद हैं लाइक 50-60 ईयर्स के, उनको सांस फूलने की बीमारी होती है, उनमें जिसको हम COPD कहते हैं। COPD के भी जो पेशेंट्स होते हैं उनमें कोई 75% लोग जो है ना वो सिगरेट नोशी तंबाकू नोशी की वजह से उनको ये बीमारी होती है। यहाँ पर लंग्स के अभी मैं और भी ऐसा ऐसा ऑर्गन की हम बात करेंगे कि और ऑर्गन पर क्या नुकसान हो रहते हैं। यहाँ पर जो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बीमारियाँ
جو سگریٹ نوشی کی وجہ سے ہیں، ٹھیک ہے ان میں سے کچھ کا تو علاج ہے، لیکن کافی ساری بیماریاں ایسی ہیں جن کا خاطر خواہ علاج بھی نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سگریٹ نوشی کو جلدی ایج پہ ختم کر کے، ترک کر کے یا نہ شروع کر کے ان بیماریوں سے بچا تو جا سکتا ہے، لیکن ٹو بی آنیسٹلی اگر ایک دفعہ وہ بیماریاں ہو جائیں تو اس کا مطلب مینی اے ٹائمز ان کا کوئی ہمارے پاس خاطر خواہ علاج بھی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب، سگریٹ نوشی کے ورسٹ امپیکٹس کی ہم بات کر رہے ہیں، ابھی اور بھی ڈسکشن کریں گے، وقت تو ایک بریک کا، آپ دیکھتے رہیے جاگو لاہور.